असलम मेरे किसान भिराओ दोस्तों दोस्तों जी अजकल क्योंकि आखिरी आपाशी चलती पणक की आखिरी आपाशी के हवाले न बड़ी एहतियात करनी पौधी है ख्याल करना पौधे क्योंकि आखिरी आपाशी जड़े टाइम अस लेने वो टाइम कणक तकरीबन सिटा बढ़ा चुकी होंगी है कणक वज़न आ चुका होंटे का तो कणक कद कर चुकी होंगी है मतलब है कि कणकू ढाव खतरा होंगे तो मैं

कि ई फील्ड तकरीबन त्री फीसद कणक ढह गई है पानी लावा के बाद आखिरी आपाशी कराने के बाद तो यह जी तीह फीसद कणक ठह गई है तो ज़ाहिर है इंतज़े पैदावार उत्तर तो, काफ़ी सारा फर्क इन जर रूट्स होते हैं तले को जमीन को हल वेंदन तो जर वो रूट्स हलदनता तो कणक जमीन को रूट्स को जड़ा को खुराक घिनट छोड़ देती जिस टाइम खुराक घिनट छोड़ डे तो सीटा दाना बनाव छोड़ दिए सीटा दाना न बढ़े या दाना बढ़ सी तो छोटा दाना बढ़ सी दाना छोटा रहता दाने के वजन न हो त पिछे ईअं सूरत ईंदे हुते स्प्रे करणा पवंदी मां अॻे हिकु वीडियो बढ़ाए चुका इएं हवाले नाल के अगरि सॼी कणक ठाहे वञे त असां ईंदे हुते कैराफोलियर स्प्रे करे सघंदा आहियूं असां वेंदे पोटाश करे सघंदा आहियूं यूरिया करे सघंदा आहियूं लेकिन मां सारे किसान बिरामा दोस्तनि कोई गुज़ारिश करेसां की मौसमी हालात खां ज़रूरु चैक करो वैदर रिपोट ॾेखो वैदर रिपोट जे बाद तोड़ी कणाकू पाणी लायो हवा का तर सब चेक करो हवा का दबाव चेक करो वेदर रिपोर्ट देखो कह के बारिश के आवन के चांस त नहीं ये हूँ जिस टाइम इन्हें पानी लाए तो फौरन हवा शुरू थी गई है हवा शुरू थीवन के बाद फ़ौरन कणक ढाम लग गई है कड़क ढावण का जरा एक नुकसान है वह पैदावार उत्तर काफ़ी सारा फर्क आ सकते काफ़ी सारा नुकसान आ सकते पैदावार तुम जरूर कोशिश करो कि वेदर रिपोर्ट को चेक करके अपनी फसल की आखिरी अपाशी करो या कड़क को पानी लाओ शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज